हेलो दोस्तों, स्वागत नॉट पार्ट जुड़े। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले यूपीएल से। जी हाँ दोस्तों, यूपीएल का बात करेंगे। देख सकते हैं कि यूपीएल से आप लोग के सामने रेंज में फंसा हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे इसमें किस तरह से रेंज निकलना है, किस तरह से हम लोग बाय पोजिशन बनाना है या होल्ड करना है, सब चीज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग समझने के लिए कि मार्केट अभी बुलिश है, तो जो स्टॉक नीचे हैं उससे नीचे से बाउंस बैक ले रहे हैं, उसमें हम लोग थोड़ा एंट्री बनाकर, जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड लाइन के अंदर ही सपोर्ट अंदर बनाकर बाय सेल करके पैसा बना सकते हैं। उससे पहले आप लोग देखते हैं टेलीग्राम चैनल अपना, तो शेयर मार्केट जो अपना टेलीग्राम चैनल है, 200 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह, और हम लोग इच्छा से अच्छा अच्छा कॉल देते रहेंगे। उससे देख सकते हैं यहाँ पतंजलि का एक हम लोग स्टॉक दिए थे लगभग 10-15 के आसपास, आप लोग प्राइवेट टेन पर देख सकते हैं, 10-15 के 50% ऐड कीजिए, नीचे आए 970 पे और ऐड कीजिए, और यहाँ से लोग पोजिशन बनाकर फर्स्ट टारगेट 1135 से 1200 के लिए होल्ड कीजिए। और देख सकते हैं धीरे धीरे हम लोग का टारगेट 1135 का टारगेट, देख सकते हैं 1135, आज 1150 का टारगेट हिट हो गया, 1150 के आसपास देख सकते हैं हिट हो गया फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट के लिए ट्रेल कर रहे। तो इस तरह के हम लोग कॉल देते रहते हैं। बाकी देख सकते हैं बैंक निफ्टी का हम लोग फ्री कॉल दिए थे, 171 के आसपास पकड़े थे और 333 का हाई लगाया था, जो कि आप लोग के सामने देख सकते हैं, जो आप लोग के सामने देख सकते हैं कि लॉजिक के साथ शेयर किए थे किस तरह का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सीधा सीधी ब्रेकआउट करके सीधा मार्केट ऊपर चल गया, तो रेंज में था, रेंज फटेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। देख सकते हैं कि पैसा डबल हो गया 171 से फिर 255, देख सकते हैं 255 के बाद देख सकते हैं 265, 265 के बाद यहाँ पर और आगे चलते हुए यहाँ पर देख सकते हो 333 तक का हाई लगाया, तो इस तरह का कॉल आते रहता है। अब आगे देख सकते हैं कि हम लोग जो भी देख सकते हैं डिक्सन टेक का है अपडेट, देख सकते हैं डिक्सन टेक में हम लोग दे जाते हैं 2991 के आसपास आप लोग के पास पकड़ाए थे, जो कि सामने आप लोग के सामने देख सकते हैं कॉल है, ब्रेकआउट जोन 2901 और टारगेट 3300 3400 4000 का रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट, थोड़ा सा लॉन्ग कट का 4500, लेकिन हम लोग का शॉर्ट टर्म ही, जी हाँ दोस्तों, तो मान लीजिए 2 से 3 वीक में ही आप लोग का 4500 का हिट कर चुका है टारगेट, देख सकते हैं 4650 का हाई लगा चुका है। तो इस तरह का हम लोग कॉल देते रहते हैं आप लोग के सामने डिमांड पर। और एक और स्टॉक और जेएसडब्ल्यू स्टील देख सकते हैं, ब्रेकआउट से पहले आप लोग के सामने चार्ट शेयर कर दिए, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता है 775-80 के ऊपर, जब तक हम लोग इसमें बाय नहीं बनाएंगे, देख सकते हैं हम सब चीज़ शेयर किया हुआ चार्ट वगैरह हम लोग ब्रेकआउट से पहले शेयर कर देते हैं, इसलिए दस शेयर मार्केट जो अपना टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपडेट स्टॉक का देते रहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए थे AIQO लाइटिंग IPO में, उसमें 20% का एक्सेप्शन था, लेकिन 40 से 45% का गेन मिला, ऊपर भी जाया 50% के आसपास भी गया, तो इस तरह का कॉल हम लोग देते रहते हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी अपडेट मिलता रहेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी अपडेट मिलता है। देखते हैं और कॉल, तो पूरा बिग का समरी आप लोग के सामने समझ सकते, बहुत सारे स्टॉक का टारगेट वगैरह हिट हो चुका है, देख सकते हैं। और इन प्रो सॉल्यूशन का जो हम लोग दिए थे फिर 500 के आसपास उठाइए, थोड़ा सा नीचे जेड था और ऐड कीजिए, और टारगेट था 800 का, और आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं अभी कहाँ पर चल रहा है, 1040 के आसपास चल रहा है और इन प्रो सॉल्यूशन। तो इस तरह का हम लोग टारगेट देते हैं, ब्रेकआउट से बात करते हैं, ब्रेकआउट होता है बाय बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। बाकी सब चीज़ आप लोग को यहाँ टेलीग्राम में मिल जाएगा, बाकी देख सकते हैं पिन किया हुआ स्टॉक वगैरह सब चीज़ है, बुक वगैरह सब चीज़ बिल्कुल फ्री यहाँ पर है, तो यहाँ जाइए 10-15 मिनट टाइम दीजिए, देखिए किस तरह का हम लोग कॉल देते हैं, लॉजिक के साथ वर्क करते हैं, लॉजिक के साथ उठाइएगा कॉल, तो जी हाँ दोस्तों लॉजिक के साथ उठाइएगा तो प्रॉफिट में रहिएगा। और IRCTC का भी हम लोग इसमें कॉल दिए थे, आप लोग को बताया था कि IRCTC में भी बाई का अच्छा मौका बन रहा है, तो हम लोग उठाए थे, तो आप लोग को सामने दिए थे IRCTC, आप लोग को दिखा देते हैं, IRCTC भी हम लोग शेयर किए थे, तो बताया थे कि IRCTC का आसपास भी आप लोग बाई कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी फट सकता है, जी हाँ कभी भी फट सकता है IRCTC, और उसके बाद IRCTC भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग चार्ट पैटर्न आप लोग के सामने यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं कहाँ पर बात किए थे, 642 के आसपास बता रहे थे कि ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा रुका, उसके बाद मार्केट चल गया, और आज देख सकते हैं कि 640 पार करते हो, 666 के ऊपर मार्केट ट्रेड करते थे। इस तरह से हम लोग लॉजिक पे काम करते हैं, लॉजिक के साथ काम करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसी के साथ देख सकते हैं 200 सब्सक्राइबर द शेयर मार्केट जो टेलीग्राम चैनल पूरा हो चुका है, और जी हाँ दोस्तों, और खाली यूट्यूब से जाकर सर्च कीजिए, यूट्यूब का चैनल यहाँ पर लिंक है, द शेयर मार्केट जोन का यूट्यूब चैनल का लिंक है, जो वहाँ पर भी 1K सब्सक्राइबर होने में बस थोड़ा सा समय बचा हुआ, थोड़ा सा बस सब्सक्राइबर बचा हुआ है, तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब करके सर्च करके शेयर कीजिए, और वहाँ पर अगर मेंबर्स 1K हो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग आप लोग के लिए एक पेनी स्टॉक सरप्राइज गिफ्ट देंगे, जिनको हम उसको बिल्कुल फ्री, और वहाँ पर आप लोग अच्छा पैसा मुनाफा बना सकते हो। जल्दी से जाकर तो शेयर मार्केट जोन टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, और उसके बाद यूट्यूब को सर्च कर ज्वाइन कीजिए, और जहाँ तक हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए। बाकी आप लोग के सामने तो ब्रेकआउट स्टॉक आता रहता है वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी चैनल पर और टेलीग्राम पर, तो अपडेट हम लोग लाइव मार्केट में पल पल अपडेट करते रहते, जाकर मैसेज चेक कीजिए। यदि हम दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैसेज देख सकते हैं,
14:17, 14:23 में पल पल आप लोग अपडेट करते हैं, 14:53 में, जैसे 1 घंटा के अंदर 15-20 मैसेज आ जाता है। तो इस तरह के अपडेट आप लोग करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल में, अपडेट रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बस पेनी स्टॉक आएगा एक बेहतरीन, जो कि आप लोग होल्ड कीजिएगा, उसको लंबा पैसा बनाकर जाएगा। तो देख सकते हैं यूपीएल का हम लोग बात करने वाले, यूपीएल अभी रेंज में है, नीचे से थोड़ा सा लिया है सपोर्ट, यहाँ से नीचे से देख सकते हैं कि इसका अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। तो नीचे से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस कर मार्केट ऊपर की ओर जाए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग हैवी क्वांटिटी में उठाएंगे और टारगेट रखेंगे छोटा सा 826 के लिए। फिलहाल के लिए नीचे आया मार्केट, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो कर सकता है, और रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी अगर उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे थोड़ा सा क्वांटिटी, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर और हैवी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, अगर नहीं मिलता तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, इसी रेंज में चलेगा। तो अभी मार्केट इसका यूपीएल में रेंज में चल रहा है, जी हाँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के सामने क्लियर लेवल है, क्लियर मार्क किया हुआ है कि लेवल में नीचे से सपोर्ट में आ रहा है, इस लेवल तक कि अगर इसमें कन्विक्शन रहेगा तो आप लोग हैवी क्वांटिटी पहले ही ऐड करिए। जैसे कि डीमार्ट में देख सकते हैं, दीपक नाइट्रेट में आप लोगों को ब्रेकआउट से पहले बोल रहे थे उठा लीजिए उठा लीजिए, और ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा चल गया। देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल जाकर सर्च कीजिएगा, तो आप लोग उसमें हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि पहले एंट्री कीजिए, वीडियो भी बना हुआ, पहले एंट्री कीजिए, लेकिन जहां पर आप लोगों को कन्विक्शन हो। तो यूपीएल में भी नीचे से कन्विक्शन तो आ रहा है, पर उतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग नीचे से बाई कर लेते हैं जी हाँ, छोटा सा, तो इसमें के अंदर ही हम लोग प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे शॉर्ट टर्म में, छोटा सा टारगेट। अगर इसको ब्रेकआउट कर लेते तो हैवी क्वांटिटी डालकर यहाँ तक 820 का होल्ड करेंगे। फिलहाल के लिए नीचे से बाउंस बैक आ रहा है, अगर किसी भी तरह का होल्डिंग है आप लोग के पास तो होल्ड रह सकते हैं यहाँ तक के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अपडेट करेंगे, तो अपडेट ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हम लोग और बाई कर लेंगे, नहीं तो फिलहाल के लिए अगर पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर जी हाँ, तो एडवांस एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, एडवांस एंट्री वाले एडवांस एंट्री ले सकते हैं। जिनको नहीं लेना वो आराम से पेशेंस के साथ देखिए मार्केट को किस तरह से वर्क करता है, और इसके बाद अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा, तब आप लोग माल उठाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ तक आ जाएगा। फिलहाल के लिए अगर वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हैं, लेकिन यूपीएल अभी अच्छा कैंडिडेट है, नीचे से बाउंस बैक दे रहा है। आप लोग एडवांस एंट्री लेना चाहते हो तो एडवांस एंट्री ले सकते हैं, छोटा सा क्वांटिटी ऐड कीजिए छोटा सा, और उसको अगर ब्रेकआउट होता तो और हैवी क्वांटिटी डाल लीजिएगा, उसके बाद टारगेट के लिए वेट कीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी इस तरह का यूपीएल रेंज में चल रहा है, तो अभी साइन तो नहीं है ब्रेकआउट का, लेकिन एडवांस एंट्री लेते हैं तो ये फायदा होगा कि ब्रेकआउट होगा जब मार्केट, जब इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट यहाँ से, समझने का ब्रेकआउट जब मार्केट करेगा तो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चल जाएगा, तो ये मार्केट फिर ये लेवल नहीं दिखाएगा जो आप लोग पकड़े हुए रहिएगा। इसलिए बता दें एडवांस एंट्री लीजिएगा तो प्रॉफिट में ज्यादा रहिएगा। तो फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्टॉक रेंज में है, लेकिन डाउन ट्रेंड रेंज में है, लेकिन गड़बड़ स्टॉक नहीं है, खराब स्टॉक नहीं है, बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निश्चिंत के साथ उठा सकते हैं स्टॉक और होल्ड कर दिए बस, जी हाँ, तो मात्र आप लोग ये दिसंबर तक तो होल्ड कीजिए, और टारगेट देखिए 900 के आसपास भी मिल जाएगा यूपीएल का। तो बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन तरीके से होल्ड करना है, होल्ड रहिएगा, प्रॉफिट बनाकर जाइएगा, और इसको जी हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल द शेयर मार्केट जो नहीं भूलना चाहिए, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी प्रेडिक्शन इसी वीडियो में, इसी तरह का इसी अगला बार जी हाँ इसी वीडियो में आएगा, उसमें आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा मार्केट किस तरह से बुलिश और कहाँ तक मार्केट निफ्टी में जा सकता है। और पहले भी इससे पहले वीडियो बनाकर आप लोग बात किए थे कि 2000 के लिए निफ्टी रेडी हो चुका है, तो फिलहाल 19000 के आसपास आ चुका है। कहाँ तक आता है निफ्टी उसका डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, और इसको मैं ज्यादा से ज्यादा प्यार करके लाइक कमेंट करके शेयर कीजिए, और बताइए कि क्या किसी तरह का वीडियो में दिक्कत है या किसी तरह का और क्वेश्चन है तो बताइए। तो मिलते हैं अगले, तो बाय।